नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिजिटल मशीनिस्ट में। दोस्तों, जो भी सीबीटी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं उन्हीं में से यह क्वेश्चन हल कर रहा हूं। चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरी हर वीडियो की जानकारी सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड शार्पनिंग ऑफ कटर। कटर को तेज करने के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए सरफेस ग्राइंडर, बी टूल एंड कटर ग्राइंडर, सी पेडेस्टल ग्राइंडर और डी सिलेंडर ग्राइंडर। दोस्तों, कटर को तेज करने के लिए हम टूल एंड कटर ग्राइंडर मशीन का उपयोग करते हैं, तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। विच मटेरियल इज यूज टू मेक द बेस ऑफ टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन? औजार और कटर ग्राइंडिंग मशीन का आधार बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते हैं, यानी टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन का बेस बनाने के लिए किस मटेरियल का यूज़ किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए ग्रे कास्ट आयरन, बी लो कार्बन स्टील, सी टूल स्टील और डी ब्रॉन्ज। तो दोस्तों, टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन का बेस बनाने के लिए ग्रे कास्ट आयरन का उपयोग किया जाता है। विच पार्ट माउंटेड डायरेक्टली ऑन द टॉप ऑफ बेस इन टूल कटर ग्राइंडर? टूल कटर ग्राइंडर में आधार के शीर्ष पर कौन सा हिस्सा सीधे रखा जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सैडल। व्हाट इज मार्कड एज एक्स? एक्स के रूप में चिन्हित भाग का नाम क्या है? दोस्तों, यहाँ पर जो है एक्स दिखाया गया है, इस एक्स के रूप में जो चिन्हित भाग दिख रहा है इस भाग का नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए सेंटर गेज, बी फिलर गेज, सी पिच गेज और डी स्नैप गेज। तो दोस्तों, ये जो आकृति में हमें गेज दिख रहा है वह सेंटर गेज है। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है। वेयर इज टूथ रेस्ट फिटेड ऑन टूल एंड कटर ग्राइंडर? टूल और कटर ग्राइंडर में टूथ रेस्ट कहाँ लगाया जाता है? ये टूथ रेस्ट अटैचमेंट, बी इन बिटवीन सेंटर, सी टेल स्टॉक और डी कॉलम। टूल एंड कटर ग्राइंडर में टूथ रेस्ट अटैचमेंट में लगाया जाता है। विच इज शेप ऑफ ग्राइंडिंग व्हील यूज फॉर शार्पनिंग मिलिंग कटर एंड रिमर? मिलिंग कटर और रिमर को तेज करने के लिए किस आकार की ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग किया जाता है? ए डिस्क, हेड कप, बी फ्लरिंग कप और डी डिश। मिलिंग कटर और रिमर को तेज करने के लिए हम फ्लरिंग कप आकार की ग्राइंडिंग व्हील का उपयोग करते हैं। वॉट इज़ द यूज़ ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइस? वर्क होल्डिंग डिवाइस का उपयोग क्या है? कार्यखंड को सुरक्षित दूरी पर रखना, बी कटर को सुरक्षित दूरी पर रखना, सी कार्यखंड स्थिति में रखना और डी कटर को स्थिति में रखना। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कीप द वर्क पीस इन पोजिशन, कार्यखंड को स्थिति में रखना। हाउ मेनी नंबर ऑफ स्वेलिंग मूवमेंट इन प्रोवाइडेड विथ यूनिवर्सल वॉइस? यूनिवर्सल वॉइस में कितनी संख्या में स्वेलिंग मूवमेंट प्रदान करता है? ऑप्शन नंबर ए दो, बी तीन, सी चार और डी छः। दोस्तों, हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तीन। यूनिवर्सल वॉइस तीन संख्या में स्वेलिंग मूवमेंट प्रदान करता है। विच टूल इज यूज टू फ्रॉम द रेडियस ऑन ग्राइंडिंग व्हील फॉर रेडियस ग्राइंडिंग अटैचमेंट? त्रिज्या ग्राइंडिंग अटैचमेंट के लिए ग्राइंडिंग औजार पत्र त्रिज्या बनाने के लिए किस औजार का उपयोग किया जाता है? ये HSS सिंगल पॉइंट टूल, बी ब्रेज्ड सिंगल पॉइंट टूल, सी डायमंड स्टिक और डी HCS टूल। त्रिज्या ग्राइंडिंग अटैचमेंट के लिए ग्राइंडिंग औजार पर त्रिज्या बनाने के लिए हम डायमंड स्टिक इस टूल का उपयोग करते हैं। वॉट इज द यूज ऑफ मैंड्रिल? मैंड्रिल का उपयोग क्या है? ये ग्राइंडिंग व्हील को गाइड करने के लिए, बी खोखला कटर धारण करने के लिए, सी व्हील हेड को सपोर्ट करने के लिए और डी टेबल को गाइड करने के लिए। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फॉर होल्ड द हॉलो कटर। What is the angular setting limit of an angular sin vice used in tool and cutter grinder? Tool और cutter grinder में उपयोग किए जाने वाले कोणीय sin vice
कि कोणीय सेटिंग सीमा क्या है। अप टू 27 डिग्री, अप टू 55 डिग्री, अप टू 80 डिग्री, अप टू 120 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अप टू 55 डिग्री। विच अटैचमेंट इज यूज्ड फॉर ग्राइंडिंग फेस मिल अप टू 400 mm डाया। 400 मिलीमीटर व्यास तक फेस मिल ग्राइंडिंग करने के लिए किस अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है? ए यूनिवर्सल वाइस, बी मोटर ड्राइव अरेंजमेंट, सी फेस मिलिंग, फेस मिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट और डी एंगुलर सिन वाइस। मिलीमीटर व्यास तक फेस मिल ग्राइंडिंग करने के लिए हम फेस मिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट का उपयोग करते हैं। वॉट इज यूज्ड ऑफ रेडियस व्हील टर्निंग अटैचमेंट इन टूल एंड कटर ग्राइंडर। टूल और कटर ग्राइंडर में त्रिज्या व्हील टर्निंग अटैचमेंट का उपयोग क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ड्रेस द व्हील टू रिक्वायर्ड रेडियस अप टू 25 मिलीमीटर। 25 मिलीमीटर तक वांछित त्रिज्या के लिए व्हील ड्रेस। ग्राइंडिंग मशीन इज यूज्ड फॉर रीशार्पनिंग ऑफ सिंगल पॉइंट टूल चिजल पंचेस एंड ड्रिल। सिंगल पॉइंट टूल्स छेनी और पंच और ड्रिल को फिर से तेज करने के लिए किस ग्राइंडिंग मशीन का उपयोग करते हैं? ऑप्शन नंबर ए सरफेस ग्राइंडर, बी सिंगल पर्पज टूल कटर ग्राइंडर, सी सिलेंड्रिकल ग्राइंडर और हमारा ऑप्शन नंबर डी है यूनिवर्सल टूल एंड कटर ग्राइंडर। तो हम सिंगल पॉइंट टूल छेनी पंच और ड्रिल को फिर से तेज करने के लिए सिंगल पर्पज टूल कटर ग्राइंडर का उपयोग करते हैं। व्हाट इज़ द मैक्सिमम स्वेलिंग एंगल ऑफ व्हील हेड ऑन अ टूल कटर ग्राइंड मशीन। टूल कटर मशीन पर व्हील हेड का अधिकतम स्वेलिंग कोण क्या है? ए 360 डिग्री, बी 120 डिग्री, सी 90 डिग्री और डी और कटर ग्राइंडिंग मशीन पर व्हील का अधिकतम स्वेलिंग कोण 360 डिग्री है। विच पार्ट ऑफ द टूल एंड कटर ग्राइंडिंग मशीन ऑन दैट व्हील हेड इज बीइंग माउंटेड। टूल और कटर ग्राइंड मशीन के किस भाग को उस व्हील हेड पर माउंट किया जा रहा है? ए बेस, बी सैडल, सी टेबल और डी कॉलम। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कॉलम पर माउंट किया जा रहा है। व्हाट इज द रेमेडी टू रिमूव द बैक एंड शाइनिंग फेस ऑफ ग्राइंडिंग व्हील। ग्राइंडिंग व्हील के काले और चमकदार फेस को हटाने के लिए उपाय क्या है? ए चेंजिंग ऑफ व्हील, ट्रूइंग ऑफ व्हील, ड्रेसिंग ऑफ व्हील और डी बैलेंसिंग ऑफ व्हील। दोस्तों ग्राइंडिंग व्हील को काले और चमकदार फेस को हटाने के लिए हमें उसकी ड्रेसिंग करना चाहिए। यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी सही है। वाई सेंटर गेज इज प्रोवाइड ऑन टूल कटर ग्राइंडर। औजार और कटर ग्राइंडर पर केंद्र गेज क्यों प्रदान किया जाता है? व्हील स्पिंडल और कटर किनारों को केंद्रित करने के लिए, स्पिंडल अक्ष को टेबल के साथ संरेखित करने के लिए, सी व्हील की स्पीड कम करने के लिए और डी तेजी से धातु हटाने के लिए। यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फॉर सेंटरिंग द व्हील स्पिंडल एंड कटर एज। व्हील स्पिंडल और कटर किनारों को केंद्रित करने के लिए। विच पार्ट इज यूज्ड टू सपोर्ट ईच इंडिविजुअल टूट ऑफ कटर इन करेक्ट पोजीशन ऑन टूल एंड कटर ग्राइंडर। टूल एंड कटर ग्राइंडर पर सही स्थिति में कटर के प्रत्येक व्यक्तिगत दांत का सहारा देने के लिए किस भाग का उपयोग किया जाता है? ये कंपाउंड रेस्ट, बी स्टडी रेस्ट, सी टूल रेस्ट और डी टूथ रेस्ट। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, टूथ रेस्ट का उपयोग किया जाता है। व्हाट हैपन इफ टूल लिटल क्लियरेंस प्रोवाइड ऑन मिलिंग कटर। यदि मिलिंग कटर पर थोड़ा टूल क्लियरेंस प्रदान किया जाता है तो क्या होगा? ए चैटरिंग प्रोड्यूस, चैटरिंग उत्पन्न होगी, बी कोई गर्मी पैदा नहीं होगी, सी अच्छा सतह परिष्करण और डी बैड सरफेस फिनिश।
खराब सतह परिष्करण। तो हमारे यहाँ पर सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड एंगल ऑफ सेकेंडरी क्लियरेंस एंगल ऑन मिलिंग कटर? मिलिंग कटर पर द्वितीयक निकासी कोण अनुशंसित सीमा क्या है? ए 1 से 3, बी 4 से 7, सी 8 से 12 और डी 15 से 25। मिलिंग कटर पर द्वितीयक निकासी कोण की अनुशंसित सीमा जो है वह 15 से 25 है, 15 डिग्री से 25 डिग्री तक है। व्हाट इज़ द रिकमेंडेड क्लियरेंस एंगल फॉर HSS कटर व्हील मिलिंग आयरन? व्हील मिलिंग कास्ट आयरन, कच्चे लोहे की ग्राइंडिंग समय HSS कटर के लिए निकासी कोण अनुशंसित सीमा क्या है? ये 28 से 37, बी 15 से 25, सी 4 से 7 और डी 5 से 1 से 5। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 4 डिग्री से 7 डिग्री तक। विच वर्क होल्डिंग डिवाइस इज यूज ऑन टूल एंड कटर ग्राइंडर फॉर ग्राइंडिंग द प्रीफेरी एंड बिवेल्ड एज ऑन इट? परिधि और बिवेल्ड किनारों की ग्राइंडिंग करने के लिए औजार और कटर पर किस वर्क होल्डिंग डिवाइस का उपयोग किया जाता है? मिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट, बी टेपर टर्निंग अटैचमेंट, सी स्लॉटिंग अटैचमेंट और डी ग्राइंडिंग अटैचमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर परिधि और बिवेल्ड किनारों की ग्राइंडिंग करने के लिए औजार और कटर पर हम फेस मिल ग्राइंडिंग अटैचमेंट का उपयोग करते हैं। विच अटैचमेंट इज डिज़ाइन फॉर होल्डिंग वर्क टू एनी डिजायर कंपाउंड एंगल? कौन सा अटैचमेंट कार्य को किसी भी वांछित कंपाउंड कोण पर पकड़ने के लिए डिज़ाइन किया गया है? ये यूनिवर्सल वाइज, बी एंगुलर वाइज, सी पॉजिटिव इंडेक्सिंग अटैचमेंट और डी मोटर ड्राइव अरेंजमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ये यूनिवर्सल वाइज। विच ग्राइंडिंग अटैचमेंट इज स्पेशली डिजाइन फॉर एनेबल द वर्क अप टू अ लेंथ ऑफ 750 मिलीमीटर, 750 मिलीमीटर की लंबाई तक कार्य को सक्षम करने के लिए विशेष रूप से किस ग्राइंडिंग अनुलग्न को डिज़ाइन किया गया है? एंड LH एक्सटेंशन टेल स्टॉक, बी यूनिवर्सल वाइज, सी पॉजिटिव इंडेक्सिंग अटैचमेंट, डी टैप रिलीविंग शार्पनिंग अटैचमेंट। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, RH एंड LH एक्सटेंशन टेल स्टॉक। अटैचमेंट इज डिज़ाइन फॉर ग्राइंडिंग द लैंड ऑफ अ टैप। टैप के लैंड को ग्राइंड करने के लिए कौन सा अटैचमेंट बनाया गया है? ये रेडियस व्हील टर्निंग अटैचमेंट, बी एंगुलर सिन वाइज, सी टैप रिलीविंग एंड शार्पनिंग अटैचमेंट और डी मिलिंग अटैचमेंट। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रिलीविंग एंड शार्पनिंग अटैचमेंट। विच अटैचमेंट इज यूज्ड फॉर प्रिसीजन ग्राइंडिंग ऑफ एंगुलर पार्ट? कोणीय भागों के सटीक ग्राइंडिंग के लिए किस अटैचमेंट का उपयोग किया जाता है? ये मोटर ड्राइव अटैचमेंट, बी पॉजिटिव इंडेक्सिंग, सी यूनिवर्सल वाइज और डी एंगुलर वाइज। एंगुलर साइन वाइज का यूज करते हैं। आपको यह वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट कर ज़रूर बताइए। हमें कैसी पढ़ाई करनी है, यह क्वेश्चन कहाँ से लिए जाते हैं या फिर इसका PDF कहाँ से मिलेगा पढ़ने के लिए, मैं आई बटन में लिंक दे रहा हूँ, वहाँ पर वह वीडियो देख लीजिएगा। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।